हेलो वॉचर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है मुझे कि आप सब लोग छकास होंगे, छकास। तो आज वॉच ऑन पॉइंट में है द बैटमैन। दोस्तों, मेरा यकीन है कि इस कहानी को देखकर आपको सिर्फ मजा ही नहीं आएगा बल्कि आप कुछ इंस्पिरेशन भी लेकर जाएंगे। तो नहीं करेंगे बकवास और करते हैं कहानी स्टार्ट। लेकिन अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना वरना तो होती है कहानी की शुरुआत और दिखाई जाती है हेलोवीन की रात। ये जो खड़ा है वो गॉथम सिटी का मेयर है। इससे पहले कि मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, बैकग्राउंड क्लियर कर देता हूँ। गॉथम सिटी जो कि पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, करप्ट हो चुकी है। अमीर लोग सिर्फ शरीफ गरीबों का शोषण करते हैं और जो गरीब शरीफ नहीं है उसका इस्तेमाल। सभी लीडर्स सिर्फ पैसे के भूखे हैं और ये मेयर भी उन्हीं लोगों में से एक है। अभी उसके पीछे खड़ा है रिडलर जो कि बहुत ही बेरहमी से उसे मार देता है। तो आखिर उसने ऐसा क्यों किया है ये तो आपको बाद में पता चलेगा ही। लेकिन इससे पहले अपने हीरो से तो मिल लेते हैं। शहर में अच्छे लोगों को बुरे लोग बहुत सताते हैं और ऐसा ही कुछ चल रहा होता है जहां हमारा द बैटमैन आता है और भाई साहब क्या मार मारता है। दरअसल ब्रूस वेन को बैटमैन बने केवल 2 साल ही हुए है और वो जुर्म मिटाने के लिए डर का इस्तेमाल करता है। मतलब मुजरिमों को बहुत ही बेरहमी से पीटता है, मगर उसे इस बात का बहुत दुख है कि अभी तक वो बदलाव नहीं ला पाया है। आगे बैटमैन अपने दोस्त गॉर्डन जो कि एक ईमानदार पुलिस वाला है उसके साथ मेयर के मर्डर वाले स्पॉट पर पहुंचता है जहां पर रिडलर ने बैटमैन के लिए एक पहेली छोड़ी होती है। दरअसल रिडलर एक सीरियल किलर है जो कि रईस और अमीर आदमियों को मार रहा है और हर कत्ल के बाद बैटमैन के लिए एक सुराग एक पहेली छोड़ता है जिसको बाद में बैटमैन सुलझा लेता है। जिससे पता चलता है कि मेयर एक भ्रष्ट आदमी था, उसका एक लड़की से अफेयर भी था जिसका नाम कनिका है। लेकिन रिडलर ने इस न्यूज को सोशली पब्लिश कर दिया होता है और अब पूरे शहर को पता चल गया होता है कि मेयर एक गिरा हुआ आदमी था और एक अय्याश आदमी था। जिसके बाद उस लड़की का जिससे मेयर का अफेयर था उसका पता लगाने बैटमैन उस क्लब में जाता है जहां का मालिक पेंगविन है। बैटमैन पेंगविन के लोगों को तो बहुत अच्छी तरह से धोता है मगर वहां पे पेंगविन कुछ भी नहीं बताता। मगर बैटमैन वहां पे सरीना काइल से मिल जाता है। उसे शक होता है, वो उसका पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि कनिका इसी की दोस्त है और इसी के पास छुपी हुई है। दोस्तों सरीना काइल ही कैट वुमन है। आगे बैटमैन कैट वुमन से मिलता है और अपने साथ काम करने के लिए कहता है मगर इधर कनिका गायब हो जाती है और दूसरी तरफ रिडलर पुलिस कमिश्नर को किडनैप कर बेरहमी से मार देता है और इसका वीडियो सोशली पब्लिश कर देता है। वो कमिश्नर भी मेयर का ही दोस्त था और करप्ट भी था। आगे पेंगविन के क्लब में बैटमैन सरीना काइल को भेजता है। उसके आंखों में वो एक लेंस लगा के भेजता है जिससे कि बैटमैन सब कुछ देख पा रहा होता है। जिससे पता चलता है कि पूरा का पूरा सिस्टम सड़ चुका है, पूरा का पूरा प्रशासन भ्रष्ट हो चुका है, करप्ट हो चुका है। जिसके बाद वहां पर रिडलर आता है और एक और आदमी को बेहोश कर उसे किडनैप कर लेता है। आगे मेयर के फ्यूनरल में बैटमैन अपनी रियल आइडेंटिटी ब्रूस वेन बन के जाता है जहां पर गॉथम सिटी के सभी अमीर लोग आए होते हैं। तभी वहां पर भीड़ को चीरती सनसनाती एक कार आती है और बूम फोड़ फाड़ के सीधा अंदर। उसके अंदर से निकला वही आदमी जिसको रिडलर ने किडनैप किया था। उसके शरीर में उसने बॉम्ब लगा दिया था और उसके पास बैटमैन के लिए एक मैसेज था। ये भी एक ऑफिसर ही होता है जो कि करप्ट होता है। जहां पर रिडलर वीडियो कॉल करता है और 3 सवाल बैटमैन से पूछता है। 3 में से 2 का जवाब तो वो दे देता है मगर तीसरे का नहीं दे पाता। वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। आगे बैटमैन और गॉर्डन पेंगविन को पकड़ने का प्लान बनाते हैं क्योंकि सारी केस की कड़िया पेंगविन से ही जुड़ी हुई है। उसके क्लब भ्रष्ट लोगों का गढ़ है। आगे पेंगविन एक जगह ड्रग डीलिंग कर रहा होता है जहां पर बैटमैन और गॉर्डन पहुंच जाते हैं। जहां पे जबरदस्त गोलीबारी के बाद पेंगविन कार से भागने लगता है और भाई साहब क्या जबरदस्त कार चेजिंग सीन दिखाया जाता है जहां कैटवुमन भी आ जाती है और पता चलता है कि उसकी दोस्त कनिका अब मर चुकी है। तभी रिडलर ब्रूस वेन के घर में एक बॉम्ब गिफ्ट में डाल के भेज देता है जिसको अल्फ्रेड खोलता है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिससे कि अल्फ्रेड घायल हो जाता है। इधर बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन को अपने पिता थॉमस वेन के पास्ट के बारे में कुछ पता चलता है। वो एक मल्टी बिलियनियर थे और लोगों की मदद करना चाहते थे, इसीलिए मेयर का चुनाव लड़ रहे थे। मगर उनकी वाइफ यानी कि ब्रूस की माँ को मेंटल इलनेस थी। वो इस बात को पब्लिक में नहीं लाना चाहते थे मगर इसका पता एक रिपोर्टर को चल गया था और थॉमस वेन ने फैल्कोनी की मदद से उसे मरवा दिया था। जिसका मतलब है कि वो जितने अच्छे बनते थे उतने थे नहीं। और जब ये सच्चाई बैटमैन को पता चलती है तो वो बहुत दुखी हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है।
क्योंकि वो जुर्म से लड़ता है, करप्शन को मिटाना चाहता है, क्योंकि वो अपने पिता की लेगेसी को बढ़ा रहा है, ऐसा वो सोचता है। ब्रूस दुखी होकर फैल्कोनी के पास जाता है और सच पूछता है। वो बोलता है, ये सच है, तुम्हारे पिता के ही कहने से तो मैंने उस रिपोर्टर को मारा था। जिसको सुनकर ब्रूस बहुत ही टूट जाता है। वो हॉस्पिटल में अल्फ्रेड से मिलने जाता है, जहां अल्फ्रेड बताता है तुम्हारे पिता एक अच्छे इंसान थे, मगर वो परेशान हो गए थे, डर गए थे, मेयर बन के वो लोगों की मदद करना चाहते थे, मगर तुम्हारी माँ की मेंटल इलनेस की वजह से अपोजिशन बहुत स्ट्रांग हो जाता, अपोजिशन के सारे लोग भ्रष्ट थे, करप्ट थे, और न्यूज की वजह से वेन परिवार की इज्जत भी चली जाती, इसीलिए उन्होंने फैल्कोनी से मदद मांगी, मगर फैल्कोनी ने उस रिपोर्टर को ही मार दिया, जिससे कि थॉमस वेन अंदर से बहुत टूट गए। वो सब कुछ पुलिस को बता देना चाहते थे, मगर अगले दिन ही उन्हें मार दिया गया, जिसके बाद ब्रूस वेन की तो आतामाजी सटकली हो जाती है, और फैल्कोनी को मारने वह क्लब में जाता है, मगर वहाँ पहले से ही कैट वुमन फैल्कोनी को मारने गई होती है, क्योंकि उसी ने कनिका की भी जान ली थी, मगर बैटमैन उसे ऐसा करने से रोक देता है और फैल्कोनी को गिरफ्तार करवा देता है, मगर ठीक उसी समय रिडलर फैल्कोनी को मार देता है और खुद को गिरफ्तार होने देता है, और पता चलता है कि कैट वुमन फैल्कोनी की ही नाजायज बेटी है, क्योंकि ये सब कुछ रिडलर का ही प्लान होता है। दोस्तों, वो भी एक अनाथ होता है, मगर ब्रूस वेन को वो अनाथ नहीं मानता, क्योंकि उसने जो दुख देखे हैं, जो दर्द सहे अनाथ हो के, वो ब्रूस वेन ने नहीं देखे, क्योंकि ब्रूस वेन तो रईस है और वो गरीब है, वो इसीलिए भ्रष्टाचारी लोगों से नफरत करता है, इसीलिए वो उन लोगों को मार रहा था। बैटमैन से बात करते हुए वो बताता है उसका एक प्लान है। आगे बैटमैन उसकी बातों को समझ जाता है कि नई मेयर जहां पे स्पीच देने वाली है, वहीं पर रिडलर के लोग उसे मारने वाले हैं। साथ ही साथ उसने पूरे शहर में बॉम्ब लगाया होता है, जिसके फटते ही पूरे शहर में पानी भर जाता है, लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। रिडलर के लोगों से लड़ते हुए बैटमैन देखता है कि वो लोग खुद को बैटमैन ही मानते हैं और खुद को बैटमैन की तरह ही सच्चाई का सिपाही मानते हैं, और इसीलिए वो सभी लोगों को मार रहे हैं, जिससे बैटमैन को एहसास होता है कि उसे बदला लेने की जरूरत नहीं है। डर का इस्तेमाल करके बदलाव नहीं लाया जा सकता है, बल्कि उसे एक मिसाल बनने की जरूरत है, एक उम्मीद। जिसके बाद बैटमैन खुद ही पानी में उतरकर सबकी मदद करता है और राहत बचाव का काम भी करता है, जिसके बाद अब गॉथम सिटी धीरे धीरे इस हादसे से उभरेगा और बैटमैन सबकी उम्मीद बनकर लोगों की वहीं पे मदद कर रहा होता है। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने, हमें हमेशा ही रिवेंज लेने की जरूरत नहीं होती, बल्कि बैटमैन की तरह एक उम्मीद बनने की जरूरत होती है, एक उम्मीद जो लोगों को सही करने की प्रेरणा दे। तो दोस्तों, मिलेंगे ऐसे ही किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।